अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो बच्चे बड़े सभी खुश होकर खा सकते हैं और सिर्फ बेसन से बनने वाला नाश्ता है। और आप चाहें तो इसे शाम में, सुबह में, जब आपका मन करे जल्दी से बना सकते हैं। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो आप इसको फटाफट से बनाकर नाश्ते को दे सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और अब मैं इसमें सिर्फ एक कटोरी बेसन ले लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून सूजी। सूजी बारीक वाली है और 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने प्याज चॉप कर ली थी वो ऐड करी है। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। थोड़ी सी हल्दी लूँगी मैं और 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी, जब हम खाते हैं तो ये खाने में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें एक अंडा इसको डाल दूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो आप अपने घर के सामान से ही बनाकर बच्चों को खिला सकें, जिससे कि बच्चे खुश हो जाएं और घर पर बना हुआ खाना या नाश्ता काफ़ी हाइजीनिक और सेफ रहता है। और ये देखिए, अब हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। मैंने ऐसा बैटर बनाया है कि आप इसको ऊपर से ऐसे गिरा कर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली गिर रहा होगा, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही बैटर चाहिए। और अब इधर ले लिए हैं मैंने ब्रेड। ब्रेड को आप चाहें तो साइड से कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हैं इनको। और अब आप इनको अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इनको ट्रायंगल कट किया है, देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। और देखिए मैंने सारे ब्रेड कट कर लिए हैं और अब मैं एक एक ब्रेड को इसमें डिप करके अच्छे से, ताकि कहीं इसे रह ना जाए, अब मैं इसको ऑयल में डाल दूंगी। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने रखा हुआ था। एक होते हैं आलू वाले ब्रेड पकोड़े और ये बिना आलू के ब्रेड पकोड़े हैं, और आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं और इनमें आलू वगैरह उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रा फटाफट से जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है और अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब ये एक तरह से सीख गए हैं, मैं इनको पलट दूंगी जिससे कि दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाएं। ये देखिए ब्रेड कितने अच्छे से सीख रहे हैं और मैं इसको थोड़ा डार्क सीखूंगी। और ये इतने टेस्टी होते हैं कि अचानक से अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप, अगर आपके पास कुछ नाश्ते के लिए नहीं है तो आप जल्दी से इसको बनाकर मेहमानों के आगे भी इसको रख सकते हैं। और अब हमारे ब्रेड अच्छे से सीख गए हैं और मैं इनको एक एक करके अब निकाल लूँगी। ये देखिए और अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।